अभी ना हम ऊपर जा रहे हैं पूल देखने, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक काम होने वाला है अज्जू के साथ। तो अब भाई यहाँ पे रुके हैं, 3 इंच का पराठा खा के जाऊंगा आज। तो अब थोड़ा सा न्यू ईयर एंजॉय कर लेते हैं, माइक को बुलाऊंगा सबसे पहले, हैप्पी न्यू ईयर। सो गुड मॉर्निंग अगेन गाइज। तो कल खा पी के और जैसे व्लॉग देख लिया होगा आपने, अपलोड कर दिया मैंने, तो कल का डे था जयपुर में, आज जाएंगे हम यहाँ से उदयपुर। और अभी सुबह के बज गए 9, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बस कपड़े पहन के अभी निकलता हूँ उदयपुर। चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं अच्छा सा और फिर दिखाते हैं उदयपुर में हमने बहुत अच्छी अकोमोडेशन बुक की है। चलो सही लग रहा हूँ, हटा दो, कोई बंदा किला चलाएगा बात के। तो भाइयों तैयार होते होते 9 बजे से 8:30 से 10 बज चुके हैं अब, है ना, हाँ 10:30 ही हो गए, बहुत लेट हो गए। शाम को 6-7 बजे पहुँचेंगे हम कम से कम उदयपुर। अभी सिर्फ एक ब्रेकफास्ट करके फिर लगातार 5 घंटे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है भाई, 7 घंटे देगी इसकी तौलिया टांग के, 7 घंटे की ड्राइव है, हरिद्वार आ रहा है भाई, ये बंदा वापस जाने वाला है इसीलिए बुरा लग रहा है, नहीं इसको बस करवानी है, वो बंदा सही है, उदयपुर नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी अपनी ये वाली गाड़ी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और वापस आते वापस ले लेंगे। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं भाई, जल्दी बैठ जाओ, एक ब्रेकफास्ट करते हैं, बढ़िया सी ऑमलेट ब्रेड खाते हैं, पराठे वराठे मत खाना, पराठे खाएंगे भाई, हम तो पराठे खाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। सही लग रहा है, शॉल या उतार लो, जाग पड़ो, चलो उठाओ, देखेंगे भाई वीडियो में क्या होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं भाई ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसकी शक्ल दिखा रहा है, कैसे इसके पैर भाई, दक्षिणपुरी से आया है ये, महंगी जीन्स पहन के जेब काटेंगे आ जाओ। तो अब भाई यहाँ पे रुके हैं, 3 इंच का पराठा खा के जाऊँगा आज, हर किसी ने सोच ही नहीं होगी भाई, गाड़ी साइड में लगा, ये 20 रुपये का पराठा खाने आया है, इसको यादगार नहीं घुसने देंगे आपको। तो भाई अब ब्रेकफास्ट करके अपना और चलते हैं यहाँ से, 5 घंटे रह जाएगी जो डेस्टिनेशन है, जो अपनी बुकिंग है, स्मार्ट लग रहा हूँ ना। आ गए भाई पराठे खाने, अब खाएंगे पराठे, ये देखो इसको और लोड के ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या गच यार, वो 32 इंच का पराठा तो बहुत महंगा है, 850 रुपये का है, खाया भी नहीं जाएगा, तो कैंसिल, नॉर्मल पराठे खाएंगे। खेत देखो, वी कैन ट्रस्ट, अगर हम 32 इंच का ले लें और हमें अच्छा ना लगा, 1000 रुपये क्या पराठा कर दिया, नॉर्मल पराठा खाएंगे। छोटा डॉग, तूने गोलमाल नहीं देखी, गोलमाल वो ऐसा वसूली पीछे खड़ा रहता है, वो आगे खड़ा रहता है, तो अरशद अरशद वार से आगे मारता है, तो तूने बताया नहीं भाई, संजय दत्त लगता है, संजय दत्त मार इसके, ओए ओए रगड़ मार के चिढ़ जाता है, चिढ़ गया भाई बंदा, चिढ़ गया, चिढ़ गया। कल किले वाली लड़ाई यहाँ कंटिन्यू हो रही है, 32 इंच का पराठा कौन लेगा, ये आ गया भाई अपना ब्रेकफास्ट, आलू प्याज पराठे, ये स्वीट लस्सी दही, ये बंदा ये चाय पी रहा अंकल, ये है भाई बंदा, टोपी लगा रखी है, अब ये खाते भाई, खा के और सीधा इस बार गाड़ी रुकेगी उदयपुर, बस बाय। तो अपना ब्रेकफास्ट करके भाई निकल गए यहाँ से, अब पराठे ही मिल रहे हैं यार, 2-3 दिन और बस, मेरे को तो तला हुआ पसंद इतना है नहीं, लेकिन क्या करें, मिल नहीं रही है ऑमलेट कहीं, तो बस अभी खा के अब सीधा उदयपुर रोकूंगा इनको। वो दोनों वॉशरूम, ये फ़ोन पे लगा हुआ है बंदा, चलो फिर अब सीधा उदयपुर रोकता हूँ, निकलते हैं यहाँ से 5 मिनट में भाई। ये देखो भाई, सिर्फ पहाड़ सुंदर नहीं होते, अपना जयपुर भी सुंदर है, है नहीं है, बताओ। स्नैक टाइम, स्नैक में अमरूद खाना पड़ता है, खाना क्या पड़ रहा है, मस्त लगते हैं मुझे तो, खाऊंगा यार, ये कम क्यों हो रहा, अभी 3 घंटे खा रहा, कोई बात नहीं, अमरूद खाते हुए चलेंगे अब और 3 घंटे, बाय। और ये अपना गांव हमने ढूंढ लिया अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, देवली, ये देख लो भाई राजस्थान में, ये फर्जीवाड़े वाला गांव है, कॉपी कर रखी है उदयपुर के पहाड़ों पे, खा रहे हैं भुजिया, कुछ नहीं मिला भाई, 7 बार मील लेने वाला बंदा
एक सुबह पराठा खाया, दो अमरूद खाया, रह गया भुजिया। बहुत समस्या में है। गाड़ी चला भाई को भुजिया भी नहीं मिली, खरीद के खाएंगे। अज्जू भाई को ये दे नहीं रहे भुजिया भाई, पता नहीं क्यों। मत दो, मैं दिला दूंगा। क्या मस्त हाईवे बना दिया, सुबह से हाईवे पे ही है यार। कुछ अभी सनसेट दिखाता हूँ, सनराइज में निकले थे, सनसेट हो गया, अभी तक गाड़ी में ही है। भड़क नहीं हुई एक बार भी रोड की वजह से, इतने अच्छे रोड। रोड अच्छे वैसे। अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा था यार सन, ये पहाड़ों के पीछे छुप गया। आएगा अभी, आ गया आ गया आ गया। देखो कितना मस्त लग रहा था सूर्य देव महाराज की, मस्त लग रहा है ना। और ये भी अच्छा लग रहा है मैप देखने में, क्योंकि अब सिर्फ 26 मिनट रह गए। सुबह से गाड़ी चला के थक गया यार मैं भी, अभी पहुंचे बस 26 मिनट बाद। शक्ल से फ्रेश लग रहा हूँ ना। पहले लंच पहले। ये देखो यार एक्सीडेंट, ऐसे लग रहा है गाड़ी पलट गई। तो भाई ना गाड़ी एक तो पी के मत चलाया करो, घूमने जाओ भी ना तो एंजॉय करो, क्योंकि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये इंग्लिश ये इंग्लिश है। और भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सेफ जाओ, मजे लो, पहुंच नहीं पाओगे तो क्या फायदा। फाइनली सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दूर है अपनी डेस्टिनेशन से, उदयपुर तो आ ही गए हैं। अपना होटल 5 मिनट दूर है यहाँ से, और अभी यहाँ खाएंगे मक्खन मलाई रेस्टोरेंट कैफे पे लंच। लंच सीधा 5 या 6 बजे, क्योंकि लेट हो जाते हैं। भाई ने एक नंबर की गाड़ी चलाई है, 8 घंटे लगातार गाड़ी चलाई है, आ गए 6 बजे लंच करके, फिर थोड़ा रेस्ट करके और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे 12 बजे। क्यों भाई? बढ़िया अंकल, क्या कह रहे हैं? जीते रहो बेटे, जीते रहो, कह रहे हैं आ जाओ। ये है अपना भाई कैफे से व्यू, रूफ टॉप कैफे। यहाँ पे अभी अपना लंच कम डिनर दोनों बराबर से ही है, लेकिन डिनर करेंगे अभी, ये लंच है। अच्छी लोकेशन है ना, कोई नहीं है, हम ही 4 आदमी हैं यहाँ बस पूरे होटल में। वैसे भी हम 4 ही है भाई, वैसे भी हम 4। हाँ बढ़िया लग रहा है। डांस करोगे थोड़ा सा एक बार आज भी? बिना गाने के नाच रहे हैं। तो ये हमारा लंच शाम को 6 बजे, यार 5 बजे ऑर्डर कर दिया था, 5:30 हो गए, आधे घंटे में आया, अंधेरा कर दिया, चांदने में आया था मैं यहाँ। वो दिखा भैया, वो दिखा पीछे हमारा होटल। अभी खा लेते हैं खाना और सीधा होटल में मिलते हैं, कैसी अकोमोडेशन है दिखाऊंगा। ठीक है तो खाना खा के यहाँ से निकल लिए भाई, बहुत ही बेकार खाना, बेकार नहीं होता मतलब कि स्वाद नहीं आया यार, नमक ही नहीं था किसी भी चीज़ में, बस व्यू था इस होटल में, खाना वाना में स्वाद आया नहीं। खा लिया पर भूख के मर रहे थे, तो 5 रोटी तो मैं खा गया बिना स्वाद के ही, 5 ये खा गया, जेठालाल भी खा गया, 2 अर्जुन ने दही पी, 2 दही पी गया, और सलाद बच रही थी वो खा गया सारी, प्याज खा गया, गिलास खा गया। चलो 5-7 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से होटल पहुँच के, करेंगे भाई अब जो भी करेंगे। ये आ गए भाई अपने होटल में, अंदर है पार्किंग? नहीं लग रही मुझे पार्किंग, अभी गाड़ी खड़ी थी अंदर, पूछ गया यो। रूफ टॉप स्विमिंग पूल कहाँ है पार्किंग? ये अपने होटल में आ गए भाई, 2 रूम है अपने, एक रूम है ये, ये इसका वॉशरूम देख लो, ठीक है। चलो दूसरा रूम दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ अपना रूम, मैं और माँ शुरू करेंगे। ये देखो भाई टीवी, अलमारी, ये अपना बेड, ये पहली बार ऐसे बेड पे बैठा है बंदा, उतर नहीं रहा, थकान हो गई भाई, थक गए, गाड़ी मैंने चलाई है थक ही गए, 8 घंटे गाड़ी चलाई है थक ही गए बताओ। ये वॉशरूम, और आज न्यू ईयर की पार्टी भी नीचे है, तो जाना ना, 1000 रुपये चार्जेज है, नहीं जाना, हम खुद कर लेंगे पार्टी, नहीं 1000 रुपये चार्जेज है, अनलिमिटेड फूड वगैरह।
हाँ 12 बजे तक ये हो। छोड़ो तो अब भाई यहाँ पे घर पे आ गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं भाई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, केक वेक लाएंगे। अभी ऊपर पूल है, पूल देखने चलते हैं कैसा है, पानी में ठंडा है या नहीं। बंदे कह रहे हैं नहाएंगे, वैसे पूल में नहाते नहीं है, स्विम करते हैं ये, लेकिन ये कह रहे हैं अभी ना हम जा रहे हैं। देखो इधर आओ, लाइट में ऊपर है। अभी ना हम ऊपर जा रहे हैं पूल देखने, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक काम होने वाला है अज्जू के साथ। अज्जू को ठंडे पानी में धक्का देना है। कौन देगा? मैं दूंगा भाई, मैं धक्का में धक्का दे देंगे इसको, ठंडे पानी में मजा आ जाएगा। चलो मजा आएगा। आ जाओ रूफ टॉप पूल। ओ माय गॉड, व्हाट अ पूल, पूल भाई सही है। ये पूल है, ठंड हो रही है लेकिन बस साफ करवाना पड़ेगा। एम्बियंस भी सही है यहाँ बैठ के आराम से। अरे बलून है, अरे ये देख इधर से तरफ टॉवल है, पार्टी लिया है। ये न्यू पार्ट न्यू ईयर पार्टी के लिए डीजे और फूड वगैरह का है यहाँ पे। मैं खुद ही खा के आए और ऑर्डर कर लेंगे, तो हम तो अपने रूम में बना लेंगे। इसको भी गिराओ मनीष को भाई। तो ये अज्जू का बदला, अज्जू का बदला लिया जा रहा है भाई। अज्जू अपना बदला लेने चल दिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मनीष काबू में नहीं आ रहा भाई, दोनों के मनीष दोनों के काबू में नहीं आ रहा है। मनीष ने इसका पजामा उतार दिया, अबे इसका पजामा उतार दिया। भाई मनीष ने आया काबू में। ये देखो भाई, ये रात को ठंड में पागल हो गया। इसको तो बेचारे को धक्का दे गिर दिया, ये खुद नंगे हो रहे हैं। ठंडा ज्यादा क्या थी मेरी? उस टाइम यार रात को ना, वहाँ शाम को हमने 6 बजे खाया था खाना, भूख सोचा था रात को भूख लगेगी, अब लग रही है भूख। और लेकिन जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे आज खाना बंद है, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टी है न्यू ईयर के लिए, तो वो ऑर्डर कर नहीं रहे डिलीवर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आए हैं सुपर मार्केट से, यहाँ से जूस वूस ले लेंगे, थोड़े स्नैक्स ले लेंगे, देख लेते हैं कौन सा जूस मिलेगा। एक क्रैनबेरी ले लेते हैं जूस, एक लीची है, एप्पल है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, एक लीची ले लेते हैं, जूस पी लेंगे। यार भूख लग रही है, खाना था नहीं तो जूस ले लूँगा, जूस पी के काम चल जाएगा अपना। तो अभी और देखता हूँ क्या लेता हूँ, जूस तो ले लिए दो, ठीक है। तो अभी के लिए इन केस अगर हमें कहीं डिनर के लिए नहीं मिलती है होटल, तो हम यही खा के सो जाएंगे आज। चलो देखता हूँ कहीं और खाना मिल जाए तो। तो गाइस हम तो ना अपना थोड़ा सा स्नैक्स लेके सो गए थे और अब 12 बजे उठे हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब थोड़ा सा न्यू ईयर एंजॉय कर लेते हैं। भाई को बुलाऊंगा सबसे पहले। हैप्पी न्यू ईयर आशु, हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको, हैप्पी न्यू ईयर आशु, हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू भाई। सिर्फ कैमरा बंद कर दो, मैं खुद खा लेता हूं हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस इस लोग को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम जाएंगे बाहुबली हिल्स या फिर माउंट आबू, देखते हैं डिसाइड करेंगे सुबह किधर जाना है, जो हमें फिजिबल होगा वहीं जाएंगे। तो गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।